मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत रियल नंबर्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं, रियल नंबर्स। और नंबर सिस्टम, हमने इस टॉपिक को दो नाम दिया है, रियल नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हमें काउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वन और टू, ये दो ही नंबर्स मालूम होते हैं। जब छोटे बच्चे रहते हैं और मम्मी पापा या कोई भी घर में बड़े दादा दादी भैया दीदी कुछ खाने को दें तो हमें दो चाहिए होता है। चॉकलेट दिए, मम्मी दो चॉकलेट चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, दो से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, सिर्फ दो से ही सेटिस्फाइड रहते हैं, लेकिन एक से भी काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम काउंटिंग में सिर्फ वन और टू इतना जानते हैं। फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले वन से टेन तक काउंटिंग सीखते हैं, फिर वन से फिफ्टी, फिर वन से हंड्रेड, और फिर समझ में आता है धीरे धीरे कि काउंटिंग का प्रोसेस तो हम कहीं आगे तक ले जा सकते हैं, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, काउंटिंग के लिए इन जिन नंबर्स का हम उपयोग करते हैं, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, इन काउंटिंग नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स That is कहते हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी नेचुरल मैनर में हम काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स का उपयोग करते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनके कलेक्शन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और कुछ इस प्रकार हम प्रेजेंट करते हैं, वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट्स दे दीजिए, इसका मतलब ये काउंटिंग नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। यहां मैं हेडिंग दे देता हूं, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या फिर यू कहें कि द नंबर्स विच वी यूज टू काउंट थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल मैनर में हम जिन नंबर्स का उपयोग करते हैं काउंटिंग करने के लिए वो काउंटिंग नंबर्स या फिर वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्या, मैं अपने हाथ में कुछ पेंस ले लेता हूं। सो हाउ मेनी पेंस आई हैव विद मी, फोर पेंस। एक पेन मैंने रख दिया, कितने पेंस रहे मेरे हाथ में, तीन। एक और मैंने रख दिया, अब कितने रह गए, दो। एक पेन और मैंने हटा दिया, अब कितने रह गए, एक। ये भी पेन मैंने रख दिया, अब कितने पेन रह गए मेरे हाथ में, नॉट अ सिंगल पेन, एक भी पेन नहीं। स्टूडेंट्स, अब ये एक भी पेन नहीं, इसे आप क्या कहेंगे, आई एम श्योर आप सही आंसर दे पाएंगे। गुड, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आपने जीरो आंसर दिया है। स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप छोटे रहते हैं और उस समय यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि मेरे हाथ में तो अब एक भी पेन नहीं है। टीचर कहेंगे कि बेटा अब आपके हाथ में नंबर ऑफ पेन्स जीरो है, यानी कि जहां काउंटिंग में कुछ नहीं वहां जीरो। इस प्रकार से जहां हम काउंटिंग नंबर्स को जानते थे वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, वहीं हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया जीरो। जहां काउंटिंग में कुछ नहीं वहां जीरो। एक चॉकलेट का पैकेट है, आपने हर एक को एक एक चॉकलेट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे करते करते जब पैकेट खाली हो गया तो उसके बाद आप कहेंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन द चॉकलेट पैकेट इज जीरो। सो हम एक नंबर जीरो इंट्रोड्यूस करते हैं और ऑल द काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, दैट इज जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर्स, और इनके कलेक्शन को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, जब आप क्लास फाइव तक रहते हैं
तब आपसे कोई भी ये पूछे 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 2 3, अगर कोई ये कहे 2 माइनस 5 आप कहेंगे अरे पागल है क्या, 5 बड़ा नंबर है 2 छोटा, तो बड़े नंबर को छोटे से कैसे घटाओगे। लेकिन जैसे ही आप क्लास 6 में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, अब तो हम बड़े नंबर को भी छोटे से घटा सकते हैं। जहां 5 में 2 गया 3, वहीं 2 में 5 गया माइनस 3, बस साइन चेंज हो गया। अगर हम कहें 10 में 2 गया 8, 2 में 10 गया माइनस 8, दैट मीन्स अब हम उल्टा भी घटा सकते हैं, यानी बड़े से छोटे के बजाय छोटे से बड़े नंबर्स को भी घटा सकते हैं, बस एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। देखते हैं 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 10 माइनस 8, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, जैसे मोबाइल में आपके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, सबसे पहले मार्केट में आया था कीपैड ब्लैक एंड वाइट, फिर कीपैड में ही कलर सेट आया, फिर उसी में कैमरा आने लगे, और अभी न जाने कितने एडवांस वर्जन्स मोबाइल्स के आ गए हैं, आज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं। सो वैसे ही नंबर सिस्टम्स भी धीरे 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 डेवलप होते गए, नए नए वर्जन्स आते गए, पहले काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, फिर जीरो को हमने इंट्रोड्यूस किया, होल नंबर्स, अब हमारे पास आते हैं इंटीजर्स, जिनके कलेक्शन को हम आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं, और यहां पर आ जाता है स्टूडेंट्स माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। हम जहां सिर्फ काउंटिंग नंबर्स जानते थे, अब यहां माइनस नेगेटिव नंबर्स आ गए, तो हमने नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ 0 को भी शामिल किया, और इन सब नंबर्स को हमने कलेक्टिवली इंटीजर्स का नाम दिया, जिसे हम आई और जेड से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को एन, होल नंबर्स के कलेक्शन को डब्ल्यू और इंटीजर्स के कलेक्शन को आई से डिनोट करना, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जेड कहां से आया। तो स्टूडेंट्स, एक जर्मन वर्ड है जेलन, जेड ए एच जेलन, इसका मीनिंग होता है टू काउंट, काउंट करना, और यहां से वर्ड लेटर आया है Z फॉर इंटीजर्स। तो हैव अ लुक, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन टुगेदर विद द नंबर 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 इज कॉल्ड द जीरो इंटीजर। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट्स मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान देंगे, जब कभी भी हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स में 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन। तो स्टूडेंट्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम अगेन एक नेचुरल नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 = 5 नेचुरल नंबर है। मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट, 2 × 3 = 6 नेचुरल नंबर है, तो हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सेम केस आपको होल नंबर्स के में भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, तो आप देखिए 10 - 2 यानी एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किए, नेचुरल नंबर मिला, लेकिन यहां एक नेचुरल नंबर में दूसरा नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट किए, नेचुरल नंबर नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स, कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वैसे ही जब सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स की जानकारी नहीं होगी, और उसके बाद कभी लगा होगा कि यार बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब छोटे से बड़े को घटाएं तब क्या होगा, तो इसलिए उनको नेसेसिटी महसूस हुआ, आवश्यकता महसूस हुई, और उन्होंने नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंट्रोड्यूस किया होगा, और इस प्रकार से हमने फिर उल्टा घटाना शुरू किया, और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को भी होल नंबर्स के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया, और इस पूरे कलेक्शन को हमने इंटीजर्स का नाम दिया। अब आप इंटीजर्स के केस में देखेंगे, तो इंटीजर्स के केस में जहां नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता था, इंटीजर्स के केस में आप देखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर्स का सम, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज हमको एक इंटीजर प्रोवाइड करेगा।
फॉर एग्जाम्पल 10 और 2 इंटीजर्स हैं, तो 10 प्लस 2 12 इंटीजर, 2 माइनस 10 माइनस 8 इंटीजर। तो स्टूडेंट्स ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करने पर भी आपको इंटीजर मिलेंगे। हम कहते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देंगे यहां भी कुछ एक एग्जांपल्स हैं। इंटीजर्स में ऑलवेज हम चाहे बड़े से छोटे को या छोटे से बड़े को या सेम नंबर से सेम नंबर को घटाएं, हमको ऑलवेज इंटीजर्स मिलेंगे, चाहे पॉजिटिव इंटीजर मिले, नेगेटिव इंटीजर मिले या फिर जीरो इंटीजर मिले। तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन, तीनों में ही क्लोज्ड है, जबकि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं थे। अब बात आती है डिवीजन की स्टूडेंट्स, तो देखते हैं डिवीजन के केस में अगर हम एक चीज और ध्यान देंगे, नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इंटीजर्स -3, -2, -1 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, सो वी कैन से दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्यों? जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। आप देख लीजिए ये सारे होल नंबर्स नेचुरल्स हैं लेकिन जीरो एक होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स सारे के सारे इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए, दैट मींस ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप देख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जो है होल नंबर्स नहीं है ना ही नेचुरल नंबर्स है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है डिवीजन की, तो आप देखिए 4/2 दैट मींस 2/1 यानी 2, लेकिन यदि हम लिखे 2/4 दैट मींस 1/2। तो अब यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क आया होगा कि यार जब हम नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से इस टाइप का नंबर आ रहा है, या फिर ये भी नहीं मालूम होगा तो लगा होगा कि आखिर इसके लिए क्या लिखें, क्योंकि अभी तक जितने नंबर्स जानते हैं उसमें इस टाइप के नंबर्स हमको नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है फिर दिमाग में आएगा कि चलो इसको भी कोई नाम दिया जाए, और इस प्रकार से ये जो अपॉन वाले नंबर्स हैं इनको हमने नाम दिया रैशनल नंबर्स, इसे हम पी और इसे क्यू, यानी जो भी अपॉन वाले नंबर्स हैं उनमें ऊपर को पी और नीचे को क्यू मान सकते हैं। तो हमने डिफाइन किया कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाय क्यू सच दैट पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपॉन में जीरो नहीं हो सकता, इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख पाए जहां p और q दोनों इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जीरो भी हो सकता है p बट नॉट q, सो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डेफिनेशन मैं थोड़ा सा लिख दूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। रैशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम कैपिटल q से डिनोट करते हैं, दिस इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ the collection of all the numbers which can be written in the form p by q such that p and q are integers and q is not equal to 0. Example 2/3, -2/3, 7/5, 0 यानि 0/5 या 0/6 कुछ भी etc. तो ये कुछ एक रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स p और q इंटीजर्स हैं,
ऊपर या नीचे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, ऊपर में हम जीरो इंटीजर भी ले सकते हैं लेकिन नीचे जीरो नहीं ले सकते बिकॉज यू नो दैट डिविजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे कि यदि कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले, मान लीजिए 2/3, 3/4, तो इनका सम फाइंड आउट करना आपको आता है, आपने छोटे क्लासेस में ये सीखे हैं। दो रैशनल नंबर्स को ऐड करना एलसीएम लेके 2/3, 3/4, कोई भी एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना ये भी आपने देखा है, मल्टीप्लाई करना ये भी आपने देखा है, डिवाइड करना ये भी आपने देखा है। यदि डिवाइड करना हो तो बाद वाले नंबर को डिवाइड को हम इनटू के साइन में चेंज करते हैं और 3/4 को 4/3 लिख देते हैं। तो आपने ये सारी चीजें छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और फाइनल जो आंसर मिलता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिविजन। सो रैशनल नंबर्स जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इन चारों ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हैं, प्रोवाइडेड दैट डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। इस कंडीशन को आप याद रखेंगे, ये एक एक्सेप्शन है कि हम कहते हैं कि ये चारों प्रॉपर्टी चारों ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हैं लेकिन डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हम डिवाइड करने पे भी रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है और हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इसे आप हटा दें तो फिर रैशनल नंबर्स में एक को दूसरे से डिवाइड करें तो आपको रैशनल नंबर्स ही मिलेंगे। सो यहां पर हमारे चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हो जाते हैं रैशनल नंबर्स के केस में। सो हैव अ लुक, अब स्टूडेंट्स एक और खास बात ध्यान देंगे आप, मैंने कहा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स में, होल नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड हो गए। तो अब जब कभी भी हम इंटीजर्स की बात करें तो आप ये मान के चलें कि इनमें ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सारे इंटीजर्स को हम अपॉन वन करके लिख सकते हैं और इस प्रकार से ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएंगे। जैसे 3 = 3/1, 2 = 2/1, सो ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q with q = nothing but 1, और इसलिए सारे इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर्स हैं। तो सारी चीजें जैसे हमारे इंडियन कल्चर की, भारतीय संस्कृति की एक विशेष महत्ता है कि हम जो भी अच्छी चीजें मिलती हैं उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो यहां भी वही चीज देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स इसमें कवर्ड हो गए, ये सारे इसमें इंक्लूडेड और ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स के ग्रुप में इंक्लूडेड हो गए। That means all the integers are rational numbers, but the converse need not be true. सारे के सारे integers rational numbers हैं, लेकिन converse true हो ये आवश्यक नहीं है। For example, 2/3 ये rational number है, लेकिन integer नहीं है। So इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे students, have a look. मेरा channel subscribe करना ना भूलें और हाँ students, साथ ही साथ अपने friends के साथ share भी करें ताकि अधिक से अधिक students को इसका फायदा मिल सके। Students लाइक्स करना भी ना भूलें क्योंकि जितने अधिक से अधिक लाइक्स मुझे देखेंगे मुझे समझ में आएगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए तैयार करूं और आप लोग एग्जाम्स में अच्छे कर पाए। 9th और 10th बहुत ही मायने रखता है आपके लिए क्योंकि 9th और 10th में आपने जो बेस स्ट्रॉन्ग किया तो आपका 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और 10th के बाद तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स लाइफ एक टर्निंग पॉइंट ले लेता है, आपको सब्जेक्ट्स चुनने होते हैं और उसके हिसाब से आपको खूब मेहनत करना होता है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। कुछ एक क्वेश्चंस, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑफ कोर्स ऑल द नेचुरल नंबर्स दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन दे आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, सो दिस वन इज ट्रू। All
all the integers are rational numbers. Definitely, all the integers can be written in the form p by q with q is equal to 1, and so they are rationals. So all the integers are rationals. True. All the rational numbers are integers. So this is false. For example, 2 by 3 is a rational number but not an integer. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. तो स्टूडेंट्स, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसे हम इंटीजर कहते हैं, किसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं, किसे रैशनल नंबर्स कहते हैं. और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे. और जहां पर फॉल्स स्टेटमेंट हो, बेटर होगा कि वहां पर आप एग्जाम्पल से रीजन बता दें कि क्यों फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल, यहां हम क्या कहेंगे, फॉल्स बिकॉज 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर. तो स्टूडेंट्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम्स दे देता हूं सॉल्व करने के लिए. फाइंड 2/3 प्लस 3/4, ये आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. नंबर 2, 2/3 माइनस 3/4. नंबर 3, 2/3 इंटू 3/4. और नंबर 4, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/4. सो स्टूडेंट्स, ये चार प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, इससे आपका बेस क्लियर होगा, स्ट्रांग होगा. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां.